आज केवल बालेश्वर के लिए नहीं सारा देश के लिए एक ब्लैक डे है। ये भी कहा जा सकता है कि आज के दिन एक अशुभ शुक्रवार है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज ये जो करमंडल एक्सप्रेस बालेश्वर की जो बहानगा की स्टेशन है वहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है और इसमें काफ़ी लोगों की जान गई है, जो कि बहुत दुखद घटना है। और इसी के दौरान चलते हुए यहाँ पे जितने भी लोग आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे की मदद करने में जुटे हुए हैं। और जितने भी पैसेंजर्स थे, काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है और काफ़ी लोग भी यहाँ पे घायल हो चुके हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे उसका काम जारी रख रही है। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जो कि यहाँ के आग पक के लोग हैं, वो भी रेस्क्यू में लगे हुए हैं। कलकोला पतनूर से हम कलकत्ता आए थे, वहाँ से कोरमंडल पकड़े, बाकी कहीं कुछ नहीं और 10 से 5 सेकंड में ये हादसा हो गया। कैसे कैसे था ये हादसा, कैसे मतलब बहुत कुछ ये समझ लो, जैसे ही ट्रेन ऐसा हुआ तो हम मौत को महसूस कर रहे थे कि आज शायद नहीं बचेंगे, मर जाएंगे आज। पूरा आदमी मेरा ऊपर दबा गया, पैर में भी लगा है थोड़ा बहुत, समझ लो बच गए। आपकी बगी में कितने लोग थे और कितने लोगों को घायल हुए है? मैं कम से कम 4-5 आदमी को हेल्प किया। इस अवस्था में मेरे को भी चोट लगा है, मैं हेल्प किया, उन लोग को उठाया, बचाया, अपने आप भी सेफ्टी में थोड़ा बचे। तो हम लोग जाएंगे चेन्नई, हम लोग गरीब आदमी हैं, काम पे जा रहे थे, अभी नहीं जा पा रहे हैं। अभी जिला प्रशासन आपको लेके जाएगी बालेश्वर, जाएंगे आप बालेश्वर से? हम तो गरीब आदमी है, अभी बालेश्वर जाके क्या करेंगे, हम तो कमाने के लिए जा रहे थे। गरीब आदमी है सर, कमाते हैं खाते हैं, नहीं कमाएंगे तो बीवी वाले बच्चों को क्या खिलाएंगे? हम लोग हमको चेन्नई जाने के लिए कुछ साधन कीजिए, बच्चा लोग है ना। ठीक है।